ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज मैं आपको एक ऐसा प्रयोग बता रहा हूं, यदि आपके घर में कोई समस्या चल रही है, आपके ऊपर बीमारी चल रही है, आपके पास धन नहीं आ रहा है, आप समस्याओं से घिरते जा रहे हैं, आपके चारों ओर से आप परेशान हैं, कहीं से भी आपको किसी प्रकार की कोई भी आपको मदद नहीं मिल पा रही है, धन से परेशान है, बीमारी निरंतर बनी हुई है, हर ओर से संकट आ रहा है, तो आप सफल प्रयोग एक करें भगवान शिव का। बड़ा ही चमत्कारी प्रयोग है। इस तरह के ये पीपल के 5 पत्ते आपको ले लेने हैं, पीपल के, और एक लोटे में जल लेकर उसमें 5 पत्तों को इस प्रकार अंदर रख लेना है। इसी में थोड़े से काले तिल अंदर रखे, छोटे से काले तिल उसमें डाल लेने हैं, और एक हल्दी की गांठ इसके अंदर डाल लेनी है। 3 समान 5 पीपल के पत्ते, थोड़े से काले तिल और एक हल्दी की गांठ, बस ये समान ले जाकर आपने भगवान शिव के ऊपर इस प्रकार जलाभिषेक करना है। ओम नमः शिवम नमः शिवम नमः शिवम नमः शिवम नमः शिवम नमः शिव ओम नमः शिवम नमः शिवम नमः शिव ओम नमः शिवाय, इस प्रकार जलाभिषेक करना है। अब वो गांठ और जो आपने तिल डाले वो भगवान शिव के ऊपर चढ़ जाएंगे, और ये पत्ते को, 5 पत्तों को इस प्रकार आपने निकालना है और इनको अपने ऊपर ओम नमः शिवम नमः शिवम नमः इस प्रकार झटकना है बस, और उसके बाद ये 5 पत्ते यहीं पर चढ़ा देने हैं आज, और अपने घर पर आपको आ जाना है। इस प्रकार यह क्रिया आपको 1 सोमवार से अगले सोमवार तक करना है। 1 सोमवार से अगले सोमवार करते हुए आपको 3 दिन के अंदर ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। 3 दिन के अंदर ही आपकी जो बीमारी वो दूर होना प्रारंभ हो जाएगी, आपके ऊपर जो समस्या, पैसे की समस्या आ रही है वो आपकी दूर हो जाएगी, आपके ऊपर जो परेशानी आ रही है वो सब दूर हो जाएगी। 3 दिन में ही आपको रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आपको 1 सोमवार से अगले सोमवार तक ये क्रिया करनी है। कभी भी इसको प्रारंभ कर सके, इसको करके देखें, बड़े अच्छा रिजल्ट है। सभी भक्तों को जय श्री राम।